क्या आप जानते हो कि ध्यान या मेडिटेशन के जितने भी फायदे बताए जाते हैं वे लगभग सारे के सारे सच ही होते हैं, लेकिन किस तरह के मेडिटेशन से कौन सा फायदा हो सकता है वह भी एक कहानी है, जिसको मेडिटेशन से संबंधित आगे आने वाली वीडियोस में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन आज ये जरूर समझ लेते हैं कि किसी को ध्यान करने के बॉडी माइंड और सोल के लेवल पर क्या क्या बड़े फायदे होते हैं। इसलिए अब अगर सबसे पहले ध्यान के बॉडी के लेवल पर होने वाले फायदों की बात करें, तो अगर आपको भी कोई ब्रेन, स्किन, दर्द या पेट आदि से संबंधित बीमारी है, तो वह सब पूरी तरह से मेडिटेशन की हेल्प से सही की जा सकती है। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में चाहे जो मर्जी बीमारी या अनचाहे चेंजेस हुए हों, वे सब के सब मेडिटेशन या ध्यान के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको ध्यान के प्रकारों को और इसके दिमाग के लेवल पर होने वाले फायदों और प्रभावों को सही से समझने की जरूरत है। इसलिए अब अगर मेडिटेशन के दिमाग के लेवल पर होने वाले फायदों में से पहले फायदे की बात करें, तो ये किसी की खोई नींद को पूरी तरह से वापस दिला देता है, जिसकी वजह से ही कोई बॉडी के लेवल पर हर टाइम थका थका सा महसूस करता रहता है। और अगर दूसरे फायदे की बात करें, तो ध्यान करने से ही किसी के अंदर वे सारी मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती है, जिसके दम पर ही कोई हाईएस्ट लेवल की क्रिएटिविटी को पाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का ध्यान से सीधे तौर पर ही लेना देना होता है। और वो इसलिए क्योंकि जब तक किसी का मन विचारों में ही भटकता रहता है, तो उसकी सारी मानसिक शक्तियां भी बिखरी होती है। लेकिन जैसे ही कोई इस ध्यान के चलते अपने मन को अपनी मनचाही चीजों पर फोकस करना सीख लेता है, तो तब वह उस स्टेज पर भी बहुत ही जल्द पहुंच जाता है, जहां से वह उसी फील्ड में कोई भी नई चीजें या विचारों को क्रिएट करना शुरू कर देता है। और यह सब केवल इसी ध्यान की बदौलत ही किसी के साथ संभव हो पाता है। और अब अगर अगले बड़े फायदे की बात करें, तो ध्यान की मदद से ही कोई अपनी हर तरह की चिंता और स्ट्रेस आदि को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि जब कोई भी माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन करने लगता है, तो उसको बड़ी ही क्लियर तरीके से समझ आने लगता है कि वे कौन से विचार हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, और साथ ही वह कैसे इन सब नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदल सकता है, उसको यह भी बहुत जल्द समझ आने लगता है। और साथ ही मेडिटेशन का जो अगला फायदा किसी को होता है, वह यही है कि वह इतना ज्यादा सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाता है कि उसको हर तरह के विचार के पहले स्टेप पर ही समझ आने लगता है कि कौन सा विचार उसके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसी कारण से ऐसा इंसान हर तरह के पॉजिटिव विचारों को ही पिक करने का आदी होने लगता है, जिसके कारण बहुत ही जल्द उसकी लाइफ भी पॉजिटिव चीजों से भरने लगती है। और अब अगर अगले बड़े फायदे की बात करें, तो मेडिटेशन की ही वह ताकत होती है जिसकी बदौलत कोई भी इंसान अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीख पाता है, क्योंकि जैसे जैसे कोई इंसान बड़ा होता जाता है, तो उसके पास बहुत सी यादें, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आदि उसकी मेमोरी में इकट्ठा होने लगती है, और उन्हीं के बेस पर वह कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में मानसिक यात्राएं करने लगता है, और वह ऐसा करने का आदि ही हो जाता है। लेकिन कैसे वह खुद को पास्ट और फ्यूचर से बचाकर प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर सकता है, वह भी किसी को मेडिटेशन के जरिए ही सही से पता चल पाता है। और अब अगर अगले बड़े फायदे की बात करें, तो मेडिटेशन ही किसी के लिए वह जरिया बनता है जिसके द्वारा कोई अपने अंदर बहुत सी साइकिक शक्तियां तब पा जाता है जब वह अपने माइंड के बनाए गए जाल को तोड़कर सोल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ठीक ऐसा होने से पहले ऐसे इंसान की पूरी सोचने समझने की और किसी चीज को इमेजिन करने की आदतों और विश्वासों को बदल दिया जाता है। इसलिए तो जब भी कोई मेडिटेशन करता है, तो उसके ब्रेन के उस हिस्से को कुछ ज्यादा ही एक्टिव कर दिया जाता है, जिसकी मदद से ही वह आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर पाता है या इस यूनिवर्स के उन विचारों को पकड़ पाता है जिनको यह यूनिवर्स कई बार तो पहली बार ही व्यक्त करने की कोशिश कर रहा होता है, जिनको हम इनोवेशन वाले विचार भी कह सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो जैसे जैसे कोई मेडिटेशन या ध्यान को करता जाता है, तो सबसे पहले उसके माइंड के विकार दूर होने लगते हैं, जिसके साथ ही उसकी बॉडी भी पूरी तरह से हेल्दी होने लगती है। और जब किसी का दिमाग पूरी तरह से इस यूनिवर्स के नियमों के हिसाब से चीजों को फॉलो करने लगता है, तो ऐसा होने पर जल्दी ऐसे इंसान की सोल ही पावर में आकर अपने हिसाब से वह सब कुछ क्रिएट करने लगती है जो यह यूनिवर्स इस इंसान से एक्सपेक्ट करता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, तो मेडिटेशन के फायदे बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन किस तरह के मेडिटेशन से क्या होता है उसको भी जल्दी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।